बोलिए भाई, मिस कॉल था। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा बिलाल साहब। वालेकुम सलाम, बोलिए। आपकी तबीयत वगैरह कैसी है भाई? अल्लाह का एहसान है। ख्वाजा बिलाल साहब, एक छोटा सा दो क्वेश्चन करना है साहब, आप इजाजत दिए तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। नको ना भाई, तुम चुप रिकॉर्डिंग डाल के चुप चलाते यार हो। नहीं नहीं आप हक की बात बोलते ना भाई, इसलिए मुबीन भाई फोन करा कि जाने मेरे को फोन करे, मगर आप देखे, जाओ। देखो भाई, मैं नहीं, मैं हक की बात बोलता हूँ, लेकिन लोगों के दिलों को तकलीफ होती है यार बोले तो। नहीं होती साहब, छोटा सा सवाल है, आप वो जवाब दे दीजिए। बोलिए 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 भाई बोलिए। हैदराबाद में फलस्तीन के नाम से एक स्कैनर बता रहे, अकाउंट बता रहे, मगर कितना पैसा कहाँ डोनेट कर रहे नहीं बता रहे साहब। कई पेचा खोली है लीगल लोग, तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेंगे साहब। आप कभी बाहर गए, सऊदी अरब को गए कहीं गए? जी साहब। कभी गए आप बाहर? नहीं नहीं मैं नहीं गया साहब। अच्छा ठीक है, मैं जो है इंडिया के बाहर बहुत फिरा सो हूँ जी। आप इंडियन करेंसी बाहर लेके जा ही नहीं सकते जी, ठीक है? दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई एजेंसी आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप यहाँ से पब्लिक से पैसा जमा करके बाहर लेके जाके खर्च करने की कोई एजेंसी आपको इजाजत दे देती। दैट इज एब्सोल्यूट क्राइम, ठीक है? ये बात मैं खुला बोल रहा हूँ, यही बात के अंदर पूरी आंसर है आपके लिए। अगर कोई फलस्तीन के नाम पे चंदा जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं ना हम पहुंचाते बोल के, हम भी देखेंगे, बराबर देखेंगे, इंतजार करेंगे कि कैसा पहुंचता, इंतजार करेंगे थोड़ा। पैसा तो ले लिए, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, गया भी तो बैंक स्टेटमेंट के जरिए एक एक रुपया बाहर आ जाता। शहर में कई लोग हैं जो आजमाइश के तौर पे जो है उनके अकाउंटों में पैसे डाल के स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं कई लोगों, ठीक है, कई लोगों रखे हैं स्क्रीनशॉट्स, जिसमें मेरे पास भी स्क्रीनशॉट्स है। कल के दिन मेरे को अगर लगा कि मेरा पैसा जो मैं फलस्तीन के स्कैनर्स पे डाला हूँ, अगर मेरा पैसा डूब गया, मेरे को अगर ऐसा लगा या मिसयूज हुआ, तो मैं मेरे स्क्रीनशॉट्स लेके जाके जो मैं अपने अकाउंट से डाला, जो ख्वाजा बिलाल अहमद के अकाउंट से डाला, मैं उसको लेके जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जरूर करूंगा। करके मैं पूछूंगा कि भाई मैं पैसा डाला, मेरा पैसा कहाँ पहुंचा, जरा जवाब दीजिए। तो पुलिस का काम है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करके अपने को जवाब देती, तो उसमें परेशान होने की बात क्या है? अगर हमको लगा चीटिंग हुई तो हम जवाब बराबर पूछिए ना भाई। मैं एक ने हैदराबाद में से कई लोग है ना, अब मैं आपको बोला तो हैरत होंगी, विजयनगर कॉलोनी में बच्चा है जो फ्लैट बेच के 40 लाख रुपए दिया फलस्तीन के नाम पे। 40 लाख रुपए दिया मेरे भाई, और वो बच्चा जो है मेरे को कुछ सबूत है दिया जो 40 लाख रुपए दिया जी। तो अब वो बच्चा भी तो सवाल करेंगे ना कि 40 लाख रुपए मैं दिया इनको, मेरा फलस्तीन तक मेरा पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, जिस मकसद से मैं पैसा दिया वो पहुंचा नहीं पहुंचेंगे, पूछेंगे ना। सही बात है, सही बात। अच्छा मान लीजिए अगर हमको मुतमईन कर दिए कि हमारा पैसा सही जगह गया, नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, अगर हमको डाउट आया कि हमारा पैसा नहीं पहुंचा तो बराबर सवाल करेंगे। सही बात है, ठीक है, मुख्तसर सी बात है। और अपन कोई भी आदमी इंडियन सिटीजन 2 लाख रुपए से ज्यादा इंडिया के बाहर अपना पैसा लेके जाके इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही बात है, 2 लाख रुपए से ज्यादा इंडिया का कोई सिटीजन, कोई भी रहने दो, लेके जाके उन्हें नहीं कर सकता। अब आप बिल्कुल ये बोलेंगे कि हम एनजीओ के तहत करें, उसके तहत करें, एक ट्रस्ट के तहत करें, बोल तो एनजीओ रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है मेरे भाई। बहुत से चीजें हैं भाई, बहुत से सवालत है। इंशाल्लाह अभी जल्दी पैनिक नहीं होना, पर गुस्से में जल्दी नहीं आना, जल्दी किसी पे इल्जाम भी नहीं लगाना कि डुबा दिए, इल्जाम भी नहीं लगाना। जो बिचारे कर रहे हैं उनको करने देना, अगर करे हुए कहीं भी शक है आपको तो बराबर सवाल करना, क्योंकि सवाल करना अपना हक है और बिल्कुल करेंगे। मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खिताब कर रहे थे, तो एक मामूली सा आदमी जो है मस्जिद नबवी में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ठहर के उनसे सवाल कर दिया था। उनसे सवाल करा कि अमीरुल मोमिनीन बताओ, आप अपने जिस्म पे नया कपड़ा खरीद के रखे थे, कहाँ से लाए, बोले सवाल करा था। तो जब हजरत अमीरुल मोमिनीन को जो है कोई सवाल कर सकता, तो आज के तो गंदे लोग हैं पूरे ये, बशमूल मैं भी। तो जब ऐसी शख्सियत को भी इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि सवाल कर सकते, तो हम सबसे सवाल करेंगे मेरे भाई। वो हमारे लिए एक तरबियत थी, और वाकई वही तरबियत को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह सबसे सवाल करेंगे।
पूछेंगे। हाँ, अगर मुतमईन कर दिया तो सवाल नहीं करेंगे, ये बात भी मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ। मुतमईन का मतलब कि हाँ, बराबर आप पैसे पहुंच गए अगर वहां पे तो नो क्वेश्चन, हम सवाल ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर पैसे नहीं पहुंचे तो सवाल बराबर करेंगे। ठीक है भाई, मिल गया आपको जवाब आपका। मिल गया, शुक्रिया। जजाक अल्लाह, शुक्रिया।